अर्चना गई थी स्थान का नाम क्या क्या देखा? प्रेम मंदिर है बीबीएम जिसमें गई थी उसका नाम बस। ये किसी ना किसी के नाम है जो इतने नाउन है लिखिए। डरा मत करो जब मैं कोई सवाल पूछूं। अभी मैं एक जगह पूछ के आया अभी क्लास में 9 से 11 ये वही था सब में रहता है। ये सब में रहता है नन ऑफ बीच होते हैं कुछ ऑप्शन कुछ होते हैं अलग बीच इसने फैकल्टी के लिए अप्लाई कर दिया है बिना पेमेंट पे पढ़ाना चाहिए देख मेरे मन में से है ना देख बहुत गलत तरंगे लास्ट क्लास में भी यही हुआ incorrigible that which cannot be corrected कुछ बच्चे तो ऐसे हैं बड़े शांति से देखो पढ़ो ज्यादा नोट करने का मन करे तो कर लेना बाकी मजा बहुत आएगा आज की क्लास में। यस सर आपकी क्लास है ना कौन बोल रही फिर गर्ल्स बैठी आ गए आवाज पीछे से आ रही है किसी भी नाम को क्या बोलते हैं नाम और इस आधार पर देखा जाए तो नाउन जो है वो काउंटेबल भी हो सकती है और अनकाउंटेबल हो सकती है। जब मैं कहता हूं काउंटेबल जब मैं बात करता हूँ काउंटेबल की तो काउंटेबल 3 टाइप की होती है। पहला ये कॉमन नाउन को शुद्ध हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा जाति जो कभी नहीं जाती। अगला जो होता है उसका प्रॉपर नाउन पूरा पूरा ऊपर से नाउन तो उसको बोलते प्रॉपर नाउन। और तीसरा जो होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। कौन सा समूह? समूहवाचक। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक। ये जो हिंदी मीडियम के जो एग्जाम देते हैं उसमें आ जाता है कि भेद की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है 3 ऊपर लिखे 2 नीचे बनाऊंगा प्यार का फर्क है बेंत भी मारी जा सकती है। कैरेट एंड डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी जब चलाता हूँ मैं क्लास। अगला देखिए कॉमन नाउन मान लीजिए ये पंखा ये अपने आप में कॉमन नाउन पंखा इंग्लिश में लिखा फैन FAN फैन फैन का ही एक अर्थ होता है एफिशिएंट जो है एफिशिएंट क्योंकि फैन जबर फैन हो गया तो किसी का एंथुजियास्टिक सपोर्टर इज आल्सो नोन एज फैन। तो फैन का केवल अर्थ पंखा नहीं होता इसका दूसरा अर्थ भी होता है एन एंथुजियास्टिक सपोर्टर एंड एंथुजियास्टिक सपोर्टर। सपोर्टर क्या होता है सपोर्ट करने वाला जोशीले तरीके से जो आपको सपोर्ट करता है उसे फैन कहते हैं। और इस फैन को सिनोनिम की भाषा में एफिशिएनाडो भी कहते हैं। देखो अगर मैं कुछ खुशी से पढ़ाऊंगा तो आपके खुशी खुशी से याद हो जाएगा सर खुशी से। जैसे ऐसे देखो ये सर्विस सेंटर यहाँ हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको पता होगा टर्शियरी सेक्टर क्या होता है? अरे वो टर्शियरी सेक्टर क्या होता है? सर्विस सेक्टर। बिल्कुल। प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर और उससे अलाइड सर्विसेज मत्स्य पालन बकरी पालन पशु पालन
लालन पालन आलू पालन है, गाजर पालन दूसरा जो होता है आपके पास सेकेंडरी सेक्टर, जिसके अंदर वो जो कच्चे माल से कुछ और प्रोडक्शन की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण उद्योग। और टर्शियरी सेक्टर का मतलब सर्विस सेक्टर, जिसके अंदर आपके पास ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, तमाम चीजें वो क्वार्टनरी या उसके अंदर पंचम तक चली जाती है, वाइट कॉलर डॉक्टर। और उसी के अंदर यहाँ पर टीचिंग भी आता है, डॉक्टर जो देता है वो भी सर्विस है, एडवोकेट जो करता है वो भी एक प्रकार की सर्विस है। तो आप में से कितने लोगों को आज तक डॉक्टर के दर्शन करने का मौका नहीं मिला, यानी वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और जीना भी चाहते हैं आगे, यहाँ देखो तो अच्छा लगेगा। लेकिन उसमें से आज मैं आपको ऐसे नहीं लग रहा कुछ अलग अजीब तरीके से पढ़ा है और एंथुजियास्टिक सपोर्टर के भी तौर पर। मान लीजिए इसी फैन का नाम मैंने लिख दिया घूम रहा है, कौन बोला चिंटू, कौन चिंटू, तो सब अपने अपने ऊपर वाले चिंटू देखो। तो इसका नाम अगर चिंटू है तो इसका भी चिंटू हो सकता है, नहीं, मेरी चिंटू में और इस चिंटू में क्या फर्क रहेगा, फैन सारे सेम है इसलिए इनको लिखा गया मैंने कॉमन नाउन। लेकिन कॉमन नाउन का अगर कोई विशेष नाम होगा तो वो विशेष नाम क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन, और इसको मैंने कह दिया चिंटू। लेकिन इसी तरह के 10 फैन लेकर आप भाग लिए, उतार के भाग लिए, बोले फीस तो पूरी कर, हम जस्ट मोटिवेटिंग। तो अजय का, अजय नहीं ऐसी बात सोच के नाम सीरियस, कल ऑफ था क्या 19 वाला और 21 वालों का? तो कलेक्टिव नाम के तौर पे मैंने बोला अ कलेक्शन ऑफ फैन, अ कलेक्शन ऑफ फैन। बताओ मैंने ठीक लिखा या गलत? ये गलत लिखा, क्योंकि अगर मैं कलेक्शन की बात कर रहा हूँ तो कभी एक चीज की कलेक्शन हो सकती है, एक से ज्यादा, तो फैन होना चाहिए फैंस। तो यहीं पर हमारी शुरुआत ही हो जाती है कि जो काउंटेबल होती है वो दो टाइप की होती है, एक इस टाइप की और एक एक होती है सिंगुलर और एक होती है प्लूरल। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। अब अगर मैं इसी के अंदर एक और नाम ले लूं, ये सीरीज नंबर 1 बन गई, सीरीज नंबर 2। आप ये मैंने वैसे पहले पढ़ाया हुआ है क्या? नहीं, नहीं। दूसरी चीज, आप में से कितने लोगों के घर में पेट एनिमल है? पेट एनिमल पूछ रहा हूं मैं, पालतू पशु है क्या? डॉग है। क्या नाम है उसका? जेली। इनके घर में एक डॉग है, लेकिन कोई भी डॉग नहीं है, इनका अपना डॉग है, तो पक्का उसको नाम ये डॉग नहीं कहते होंगे, यानी है कुत्ते इधर जिसका अच्छे से भी नाम रखा गया होगा पंडित जी के द्वारा, उसका नाम कुत्ता पड़ सकता है, पर घर में कुत्ता लाने के बाद कुत्ता का नाम कुत्ता नहीं पड़ सकता, ये बात पक्की है, ये रिसर्च की बातें हैं। और उसके बाद अपने लिए खुद के लिए इंसान बाहर लगवा देता है कि हमसे सावधान दूसरा सावधान कुत्तों से बीवेयर ऑफ। तो बीवेयर एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ प्रपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल होता, अवेयर के साथ ऑफ का इस्तेमाल होता, अवेयर ऑफ, बीवेयर ऑफ, याद रहेगा। और उस डॉग का नाम लिखा क्या बोले आप? जेली। स्पेल आधार कार्ड भाई जेली
लेकिन ये बहुत सारे कुत्ते जेली के पीछे होंगे। मैंने मौका दिया, आपने उसको एनकैश किया, बुनाया, अब एकदम से सीरियस हो गया। करो जी काम की बात बताओ, इसमें क्या हरकत कम करो, आप नहीं हम। तो उसका मतलब हो गया ग्रुप ऑफ डॉग्स, जेलीज नहीं होगा, जेली एक ही है, ग्रुप ऑफ डॉग्स, अ ग्रुप ऑफ। तो ये जो ग्रुप शब्द बना, ये जो कलेक्शन शब्द बना, ये अपने आप में क्या है, कलेक्टिव। जो ये इसका विशेष नाम पड़ा, ये क्या है, प्रॉपर नाउन। जो डॉग शब्द पड़ा, ढक्कन हरा लगा दिया, बकाल लग गई डॉक्टर ने। तो फैन का प्लूरल क्या बन सकता है, फैंस। तो डॉग का क्या बन सकता है, डॉग्स। क्या चिंटू का चिंटूज हो सकता है, क्या ज्वेली का ज्वेलीज हो सकता है, नो। इसका मतलब प्रॉपर नाउन का प्लूरल पॉसिबल नहीं है, प्लूरल नॉट पॉसिबल। हाथ पता लगी, देखो रूम निकाल। तो कॉमन नाउन का सिंगुलैरिटी और प्लूरलिटी पॉसिबल है, क्या कलेक्टिव नाउन की सिंगुलैरिटी प्लूरलिटी पॉसिबल है या नहीं। अब मैं बात करता हूं इसी क्लास से, इस क्लास के अंदर कितनी क्लास है, एक क्लास है इस समय, लेकिन बैच कितने, तीसरा नहीं है, दो, 319, 321, 1921 हो जाती है, वही यहाँ हो रही है। एक बैच है मेरे पास जीटीबी नगर, एक KM61, एक KM62। नहीं आया समझ, आ गया तो यहाँ ध्यान दो। तो तीसरी बात कर रहे हैं, इस क्लास के अंदर वो जो बच्चा बैठा है ये बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल हाँ, क्या नाम है, आशु। तो मैंने लिखा आशु, आशु बताओ कॉमन नाउन में आएगा, नहीं। पर आशु को देखकर लगता कि ये लड़का। तो ये क्या लिखा मैंने, अगर एक से ज्यादा लड़के होते आशु नहीं, ये सारे लोग, तो बॉय का क्या बन गया, हाय बॉयज। लेकिन आशु और आशु के नौ दोस्तों ने मिलकर, ये कुल कितने हो गए, 10। और कॉलर के बटन खोलकर दो तीन बटन, चैन लगाई कोई एक आधी बड़ी बड़ी, जैसे बेड़ियां होती भैंस बांध रही। उसके बाद एक इस तरह की काली पीली टोपी लगाई और उसके बाद खाली पीली करने लगे, ठग लाई। सर एक क्वेश्चन, काली पीली क्या, खाली पीली बोला मैंने, खाली पीली का मतलब समथिंग विच इज ऑफ नो यूज, इनसिग्निफिकेंट नेचर। दिमाग की बात देखो, मेरे को तो इतनी आती, बाकी इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं तो ठीक है, बाकी कर लेना। तो यहां पर आपके पास बॉयज जो मैंने लिखा, इसी बॉयज का अगर ये कुख्यात लड़के थे तो इन कुख्यात लड़कों का क्या बनेगा, गैंग, गैंग ऑफ बॉयज। अब ये बॉय बनेगा या बॉयज, इसका मतलब कलेक्टिव नाउन जब भी बनेगी तो ऑफ के बाद नाउन सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, प्लूरल। बात समझ में आएगी, अ गैंग ऑफ बॉयज। या ये जो बच्चे थे इनको केवल और केवल कह दिया कि अ टीम, ये बॉयज की एक क्या बना दी, टीम। सो अ टीम ऑफ एक्सपर्ट होगा या एक्सपर्ट्स होगा, बात समझ में आई। इसका मतलब अ कलेक्शन ऑफ फैन, अ ग्रुप ऑफ डॉग्स, अ गैंग ऑफ बॉयज, अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। इसका मतलब यहाँ पर मैं कितने गैंग की बात कर रहा हूँ, एक। अब क्या हुआ,
मोहल्ला नंबर एक और मोहल्ला नंबर दो के छठे हुए बदमाश, बदमाशों का झुंड आपस में लड़ पड़ा, तो बताओ कितने झुंड लड़ेंगे? लड़ने के लिए मिनिमम कितने चीज चाहिए? ताली बजने के लिए, मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, झगड़ने के लिए, कभी भी अकेला इंसान नहीं झगड़ सकता, दो होने चाहिए। फेरे लेने हो तो कितने? दो। और उसके बाद तलाक लेना हो तो भी, है ना? पैचअप हो या मैचअप हो, बात है कि इंग्लिश को आइटम कितने चाहिए? दो। अब मुझे बताओ, सेवरल Several gang of boys is ready to have altercation. और क्या हुआ जी, ये अंडरलाइन कर दिया, A, B, C और D. Gangs of boys is, gangs of boys are, या केवल gang of boys is, और ये लिख दिया no improvement. और ये आ गया पेपर के अंदर क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक बात है। सी किस किस का आंसर आ गया? शाबाश, खड़ा रहो। नाम दिमाग, किसी के दिमाग में आई कोई बात? कोई दिमाग में बात नहीं आई। इसका मतलब आप शून्यता के स्तर को प्राप्त करें, और शून्यता के स्तर को प्राप्त करना मतलब मेडिटेशन के अनहद स्तर को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद आप महात्मा बुद्ध बन सकते हैं। कौन? मोक्ष प्राप्त। बिल्कुल सही बात है। खड़ा हो जाए और आगे आ जाए। आज मैं बनाऊंगा मुर्गा, मुर्गा बनाऊंगा। अब मैं बताऊं लेग पीस कौन का है? बटर मुर्गा। अब मुझे बताओ, सेवरल जो शब्द होता है, सेवरल वो एक वचन होता है या बहुवचन? बहुवचन। एडजेक्टिव के तौर पर ये बहुवचन होता है, क्योंकि सेवरल का मतलब होता है बहुल, जिसका मतलब वेरियस भी होता है, जिसका मतलब अलॉट ऑफ भी होता है, जिसका मतलब मैनी भी होता है। और मुझे बताओ, सेवरल, वेरियस, अलॉट ऑफ या मैनी के साथ सिंगुलर नाउन आती है या प्लूरल? वेरी गुड, प्लूरल नाउन आती है। अब प्लूरल नाउन आती है तो गैंग लगेगा या गैंग्स? गैंग्स। तो इसका मतलब अगर अल्टरकेशन हो रही है और वो अल्टरकेशन के लिए तैयार हैं, तो मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरकेशन? भसड़। बहुत बढ़िया। तो रूट वर्ड से जोड़ देता हूँ, एक वर्ड होता है अल्टर, रूट वर्ड के तौर पर इसका मतलब होता है अदर। क्या मतलब होता है? अदर। और इसी से आपके पास सबसे पहला वर्ड बनता है अल्टरिस्ट। क्या बनता है? अल्टरिस्ट, जो दूसरों के लिए ट्रू रहे, सच्चा रहे, मानवतावादी रहे, परोपकारी। क्या बोलते हैं? पर उपकारी, अन्य लोगों के लिए अच्छा रहता है, परोपकारी। वन Who is? Who is? Mean minded. Mankind. जिसका भरोसा किस पर हो? Mankind. क्यों है तू भाई? और इसी को फिलैंथ्रोपिस्ट भी बोला जाता है।
इसी एल्टोरिस्ट को फिलेंथ्रोपिस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि यहां पर फिल का मतलब होता है लव और एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग या ह्यूमैनिटी, जो मानवता से प्यार करता है। और आईएसटी से खत्म होने वाले वर्ड पर्सन को डिनोट करते हैं, पर्सन हु लव्स मैनकाइंड या पर्सन हु बिलीव्स इन मैनकाइंड इज नोन एज एल्टोरिस्ट। और इसी वर्ड के अंदर अगर थोड़ा सा आगे जाएं, क्या मैं ये इनकॉरिजिबल रख कर दूं? इसी के बाद एक अगला वर्ड बनता है ऑल्टरनेट, पता है ये सब। और एक वर्ड और बनता है ऑल्टरनेटिव, एक वर्ड होता है ऑल्टरनेट, एक वर्ड होता है ऑल्टरनेटिव, एक वर्ड होता है ऑल्ट्रेशन और एक वर्ड होता है ऑल्टरकेशन। और आखिरी वर्ड जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो है ऑल्टर ईगो। पहला शब्द मैंने लिखा ऑल्टरनेट, अगर मैं कहूं मंडे को मैथ लगेगा, ट्यूसडे को इंग्लिश, वेडनेसडे को फिर मैथ, थर्सडे को फिर इंग्लिश, फ्राइडे को फिर मैथ, सैटरडे को फिर इंग्लिश, यानी आपकी मैथ और इंग्लिश कौन से डेज पर चल रही है? ऑल्टरनेट डेज पर चल रही है, वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आती जाए जाती जाए क्लासेस, उसको कहते हैं वन आफ्टर अदर। अगला है ऑल्टरनेटिव, यू मस्ट हैव टू चूज वन ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर, ऑप्शन या चॉइस विकल्प को बोलते हैं, और ये नाउन का काम करता है और ये एडजेक्टिव का काम करता है जिसका मतलब होता है, और चॉइस हमेशा इसको छोड़कर अन्य क्या है बोले ये, तो ये हमारे लिए क्या काम कर रहा है? ऑप्शन का, तो ऑप्शन या चॉइस। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाते हैं कई बार, तो किसी नाउन से पहले लगाना पड़ जाए तो क्या आएगा? ऑल्टरनेट। और किसी एडजेक्टिव के साथ लगाना पड़ जाए तो क्या आएगा? ऑल्टरनेटिव। अगला वर्ड लिखा है ऑल्टरेशन, अक्सर इसकी इंग्लिश का तो कम लोग प्रभावित है, हिंदी में बहुत ज्यादा मिलेगा, हमारे यहाँ अल्ट्रेशन की जाती है, मात्र दस रफू नहीं होता भाई। हाँ सही सही है, बताओ थोड़ा सा, सही है सही है सही है, शाबाश। कपड़े को जान से फट गया उसको काट के फिर दूसरे को लगा कर नहीं, कई बार क्या होता है कपड़ा नया नया खरीदते ही ऑल्टरेशन करानी पड़ती है। गर्ल्स प्लीज थोड़ा सा आप साइड, हां कि मैं लिख रहा हूं इसके, हां तो पिक होती है क्यों सर? फिटिंग करवानी होती है, जैसे जैसे कि जो ड्रेस लूज होता है उसको टाइट करवाना होता है। ओह चलो देखो, ऑल्टरेशन का मतलब ऑल्टर से बना है, और ऑल्टर किसे बना है? अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना, और इसी का मतलब होता है कन्वर्ट या मॉडिफाई या चेंज, बदलाव करना या कुछ परिवर्तन करना उसके अंदर। ठीक है, एग्जांपल तो मेरे दो तीन याद आ रहे हैं, बाद में। अगला वर्ड देखिए ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन के अंदर ये देखो क्या लिखा हुआ है सबके लिए, सी, सी को अगर बोला जाए तो निकलती है ध्वनि क की, किसकी जी? क, और क से होता कुत्ता, और क से ही बनती है सी से कैट, और कैट और कुत्ते की, कुत्ते और बिल्ली की हमेशा क्या रहती है? लड़ाई, क्या रहती है? लड़ाई। और ऑल्टरकेशन का मतलब होता है अवर्बल डिस्प्यूट,
वर्बल डिस्प्यूट याद रहेगा, बातों की लड़ाई, बातों की लड़ाई नहीं, बातों में बातों ही बातों में लड़ाई हो जाए। तुमने मुझे ये क्यों बोला कि तुम टोस्ट बनाओगे, मैं तो टोस्ट पर बस बटर लगाऊंगा, तो इस बात पर भी कई लड़ाई हो जाती। नहीं नहीं, सुबह सुबह का एक्सपीरियंस बताओ। अगला मेरा जीवन बहुत छेड़छाड़ भरा रहा है, इसके इंग्लिश बनाओ। वो कह रहा सच है सर। चलिए ऑल्टर ईगो, ऑल्टर का रूट वर्ड क्या बताया, अदर। ध्यान से सुनना इस मीनिंग को, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। ईगो का मतलब क्या होता है, घमंड, और घमंड का मतलब इंसान के अंदर क्या हो, मैं, और माई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। प्लीज बी फॉर्मल, ओके। आप अपने अपने दिमाग मन के अंदर बहुत अच्छे पावन मन के साथ अपने उस दोस्त का नाम याद करें, उस दोस्त का चेहरा याद करें, नाम याद करते चेहरा अपने आप याद आ जाता है, ब्रेन इतना तेज होता है, जिसके अंदर आप अपने आप को देखते हो, तुझमें रब दिखता है यार, तुझमें पेट दिखता है, तुझमें रब दिखता है, तुझमें सी दिखता है, तुझमें डी दिखता है, तुझमें ई दिखता है, तुझमें एफ दिखता है, जो भी तुम्हें उसमें दिखता है, क्योंकि तुम जैसे हो वैसा तुम्हें उसमें दिखता है, तभी वो आपका क्या है, दोस्त, जिसके अंदर आप, जिस अन्य पर्सन के अंदर आप स्वयं को तलाशना शुरू करते हो, अ क्लोज एंड बॉसम फ्रेंड, अ क्लोज एंड बॉसम फ्रेंड इज नोन एज ऑल्टर ईगो। Oh, oh my God, oh yeah. न्यूरल के लिए गैंग नहीं आएगा, क्या आएगा, गैंग्स, और इसलिए मूवी का नाम बना गैंग्स ऑफ वासीपुर, ना कि गैंग ऑफ वासीपुर, क्योंकि वहां कई सारे गैंग थे। इसका मतलब कलेक्टिव नाउन के अंदर भी अगर एक है तो सिंगुलर रहेगा और एक से ज्यादा है तो प्लूरल हो जाएगा, यानी कलेक्टिव नाउन भी दोनों नेचर की होती है, सिंगुलर भी और प्लूरल। बात समझ में आई, अब गैंग एक का हो या बहुत सारे गैंग हो, पक्का एक लड़के का होगा या एक से ज्यादा का, एक से ज्यादा, बॉयज 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 गैंग्स, तो पहली बात तो सी नहीं आएगा और ये लिखा ये नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, इसका मतलब आपका आंसर ए अभी में से रहेगा। अब मुझे बताओ सेवरल गैंग्स सिंगुलर हुआ या प्लूरल, और प्लूरल के साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, क्योंकि प्रपोजिशन से पहले वाला देखते हैं, बाद वाला, पहले वाला, अगर नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, क्या आएगा, आ, ए या बी, ठीक तो जाओ देखो चीजें, आपको हो सकता है महसूस ना हो कि पढ़ाई हो रही है, लेकिन आप पेज देखो कितने भर गए होंगे, आधा पौना पेज भर भी गया, कॉपियां भर गई, चलो दिमाग निकालिए। यहां से शुरू करता हूं, आप अपने कंटिन्यूटी पे रखें तो ज्यादा अच्छा है। बॉय के बाद मैंने लिखा गर्ल, ए गर्ल, क्या लिखा मैंने, गर्ल, ए बोलो नहीं, देखो प्लीज आप मजोर हैं, आपको टोकना अच्छा नहीं लगता, आपकी अपनी निजी जीवन है, सबका गर्ल, एक हो तो गर्ल और एक से ज्यादा हो तो गर्ल्स, हो गए, हाय गर्ल्स, चाय पी लो। किसी का नाम लिखूं, हाँ भाई, ए क्या नाम बताया था इसका, अर्चना है ना, सिद्धू की बहन, तो अर्चना पूरण सिंह,
साक्षात आदमी है वो। अर्चना का अर्चना वहां से लिख सकते हैं, गोल का गोल। अब आपने देखा होगा जब भी अमिताभ बच्चन जब जब भी जिस सीजन में भी आया केबीसी लेकर कौन बनेगा करोड़पति लेकर, तो उसने आते ही हिंदी में कहा देवियों और सज्जनों, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लेडीजों और जेंटलमैनों। तो उसने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन। अब जो मैंने लिखा है वो सही है या गलत? गलत है। क्यों? एम ए एन नहीं आएगा, एम ई एन आएगा, क्योंकि एंड से पहले अगर प्लूरल संबोधन है तो एंड के बाद भी कैसा संबोधन होगा? प्लूरल। और मैन का मैंस नहीं होता, मैन का प्लूरल मैन एम ई एन होता। ये सारी बातें पढ़नी आ जाऊंगी। कैट कैट्स डॉग डॉग्स, लेकिन इससे भी ऊपर बात जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि जब ये समझ में आएगी तभी वो बात समझ आपके दिमाग में जाएगी। नहीं ऊपर से यहां पर लेडीज की जगह जेंटल वुमेन क्यों नहीं? जी प्लीज लेडीज, एक जनरलाइज जेंडर वर्ल्ड की बस ये एक बात बता रहा है, मैन या वेमेन। सोसाइटी के अंदर दोनों लोग होंगे, मैन भी और वेमेन भी, बच्चे भी होंगे, ठीक है अगर ये दो होंगे तो। अरे वो प्राकृतिक किलो बताया तो सारी चीज होगी तुम्हारी क्लास में, तो याद तो सब कुछ है, क्या क्या बताया क्योंकि मैंने क्यों बताया होगा ये भी याद, क्योंकि वो कैब जब हम हमारी इवॉल्व होती है कहीं भी कुछ रेफरेंस याद आता है तो वो कुछ कहीं ना कहीं कारण होता है। कर ले कुछ समस्याओं के निवारण नहीं होते, कुछ भावनाओं के की तरह जी होते, खुशियां मनाने के कुछ कारण नहीं होते। चलने दिया कर सब, चलने दे आज, रोक क्यों मत कर, चलने दे, अभी एक वो स्टाफ और करके दिखाऊंगा। एक्चुअली इसमें ऐसा लगता है तुमने बहुत आगे नहीं लगा रखा सर, आगे तो लगा रखा लेकिन मेरे पीछे कर दो ना, आप इस केस में आ जाएगा ना। अच्छा ये है क्या इसमें? तो ये देखना भैया, वुमेन एक जेंडर बेस्ड वर्ल्ड है, अब इसके अंदर वर्ड किया लेडी, तो लेडी जो शब्द है वो फ्रांस के अंदर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो शब्द होता है वहां पर जो हाई सोशल क्लास की जो महिलाएं होती है उनको क्या कहा जाता था? लेडी। और बाद में यही वर्ड लेडी डिक्शनरी के अंदर उनके लिए आ गया एजुकेटेड कल्चर्ड सिविलाइज्ड वुमेन is known as ladies। तो इसका मतलब जो पर्सन एजुकेटेड कल्चर्ड और सिविलाइज्ड होगा उसका नेचर कैसा मिलेगा? तो लेडी इज द मीनिंग ऑफ जेंटल वुमेन, सो लेडी इट्स लेडी इज द वर्ड इटसेल्फ जेंटल, सो इसके साथ जेंटल का इस्तेमाल नहीं होता पहले, और क्योंकि ये मैन नहीं होते तो इसलिए इनके पे विशेष दौर पर लगाना पड़ता है जेंटल मानूंगा। अब क्या होता है गर्ल या लेडीज का कभी गैंग नहीं मिलेगा, हाँ बताओ शाबाश। बेबी बनेगा जी, वो बनेगा BEVY बेबी, और इसी का जो प्लूरल बनेगा तो सिंगुलर तो बन गया बेबी, तो प्लूरल क्या बनेगा? Y को हटा के I और प्लूरल बनाना है तो BS, तो ऐसे बेबी का बेबीज, बेबी का बेबीज, ठीक है जी, कुछ इस तरह से नाउन के प्लूरल फॉर्म। इसको कई बच्चे बिवाई बोल देते हैं, बिवाई नहीं, जिसके पैर ना फटी बिवाई, वो जाने क्या जाने के लिए पढ़ाई, ऐसा नहीं।
पांचवा मेरे ख्याल बहुत हो गया, अब समझ में आ गया है ना, उसमें एक एक नया शब्द निकालते जा रहे बस। अब मैं लिखता हूँ किसी कॉमन नाउन के तौर पे, मैंने किसी संत का नाम ही नहीं लिखा, बस सेंट लिख दिया, ठीक है, सेंट, सेंट पर सेंट, और उसी में एक सेंट का नाम लिखा, किसी अच्छे से सेंट का नाम बताओ। गर्ल्स सेंट का भी लिखा नाम रविदास, रैदास, कालिदास, तुलसीदास, सूरदास, ठीक है, ये दास के सिनोनिम। तो इसमें आपने कालिदास, संत कालिदास, बाबा कालिदास, बाबा, लेकिन इन्हीं कालिदासों का, इन्हीं संतों का एक जमावड़ा लगा और उन्होंने भजन गाने शुरू कर दिए, कीर्तन करना शुरू कर दिया, मंडली बनाकर काम शुरू कर दिया, लाइक यू। तो मुझे महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ा हुआ होता है, उसे कॉन्ग्रीगेशन, अब नया शब्द सीख रहे हैं अंदर ही अंदर, देखो कॉन्ग्रीगेशन बोलो एक बार, ठीक है, जितना भी टाइम पास वाले बच्चे वो भी बोलो, कॉन्ग्रीगेशन, 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 अरे बोलो कॉन्ग्रीगेशन, वेरी गुड, शाबाश, वो बच्चे भी बोलो जो बीच बीच हैं। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन जो शब्द है वो ग्रैग से बना है, इससे जी ग्रैग चैपल नहीं, ग्रैग, ग्रेग चैपल था क्या, इंडिया का था, इंडिया की टीम का कोच होगा, इंडिया का नहीं था, बता ग्रेगारियस ओयूएसए का तो मैं पक्का एडजेक्टिव हो गया, ग्रेग शब्द ग्रेक्स फ्रेंच वर्ड से बनाया जिसका मतलब होता है फ्लॉक यानी झुंड, और इसी का मतलब होता है एक पर्सन जिसको झुंड में यानी लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, सोशियबल, मिलनसार, फ्रेंडली, अफेबल, क्या बताया भाई किसी ने बताया तो कुछ, एमिएबल, एमिकेबल, जोली, जोवियल, जोकंड, विवासियस, ठीक है, ये सब सब बोल, कौन जिनाय, इसका एक बार ये आया था तो ऑप्शन में लिखा आया था कौन जिनाय, किसी का सिनोनिम, अब यहीं से एक और बात आ गई, एक वर्ड होता है ए एन टी और एक होता है ए यू एन टी, दोनों में क्या पढ़े, चीटी और चाची, चट्टाई को कहते हैं बड़ी मम्मी, कई हो जाएगी बेटा, एक से ज्यादा आंट हो तो आंट, एक से ज्यादा आंटी हो तो आंट्स, ठीक है, पुलिस बुला ली। अब ये देखो ये जो आंट्स है ये दो तरीकों की होती है, एक लाल कीड़ी और एक काली कीड़ी, कीड़ी चींटी, मकोड़ा उसका पुलिंग हो जाता है, साइड पर देखो मैं वनस्पति विज्ञान पशु विज्ञान सब पढ़ाऊंगा। अब जब मान लीजिए आपको कौन सी मिठाई पसंद है, बालूशाही, बाल मिठाई होती है, कोई मिठाई बताओ कौन सी पसंद है, रसगुल्ला, किस किस को रसगुल्ला पसंद है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, गरम गरम ठंडे ठंडे, जैसे भी, चलिए काजू, काजू को किस किस को, काजू को ये मान लिया, ये हाँ, नाम क्या है आपका, सक्षम,
सक्षम का मतलब एबल, कैपेबल, डेक्स्ट्रस। अगला देखो, और सीधे लाइन में वो लेफ्ट राइट करती आई होगी, और इसलिए जब चींटियां हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली सीधा लीनियर वे में चलती हैं और एक जमावड़ा बनाते हुए, एक कलेक्शन बनाते हुए चलती है, उसे बोलते हैं एन आर्मी ऑफ आंट्स। एन आर्मी ऑफ आंट्स। लेकिन फिर बैक टू द पवेलियन, फिर मूड चेंज। चलो एक सेकंड, वो जो चार्ज भी पड़ी थी और ये जो आई है ऐसे करते करते आई, और आप कहते हैं यही कटी हो गई है, गोल 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 सर्कुलर वे में कलेक्शन होना आंट्स का, उसको बोलते हैं स्वार्म ऑफ आंट्स, अ स्वार्म ऑफ। और इसी तरीके से दिवाली के दिन में जब आप मिठाई परचेज करें तो उससे पहले वो मिठाई कैसे बनती है, आइए मैं बता दूं। जो घर पे बनाते हैं वो भी बता देता हूं कैसे बनती है। नहीं, आपको तो आती है बनानी, लेकिन आप जब खाओ तो उसको बीच में से तोड़ के खाएं, क्योंकि उसमें कई बार आप समझ लेते हो कि ये शायद, और ऐसे इंसेक्ट्स के और मॉस्किटोज के जो झुंड होते हैं उसे भी स्वार्म ऑफ मॉस्किटोज या इंसेक्ट्स कहते हैं। हो रहा है कि नहीं यार, थोड़ा हो रहा है, एक से हो रहा है। अगला, अ स्वार्म ऑफ मॉस्किटोज। ब्रेक ब्रेक तो नहीं देना ना। एनिमल के तौर पर कुछ दुधारू पशु। अब लिखो गाय, गाय को क्या लिखेंगे, काउ। तो भैंस को क्या कौन होगा, भैंस, भैंस को क्या लिखेंगे, बुफैलो। स्पेलिंग बोलो, अगला लिखे बकरी, गोट, और इसी से मिलता जुलता एक होती बकरी, एक होती भेड़, भेड़ को क्या कहते हैं, शिप, शी है ना, शिप तो जहाज हो जाएगा पानी का, गेंडा। अगर आपके पास एक काउ है तो क्या कहोगे, आई हैव ए काउ, ए बफेलो, ए गोट, ए शीप, ए शीप। लेकिन आपके पास एक से ज्यादा काउ है तो क्या हो जाएगा, काउस। पक्का एक से ज्यादा बफेलो है, बफेलोज। ज्यादा नहीं कर रहा थे इसको। अगर गोट एक से ज्यादा, गांधी जी किसका दूध पीते थे, बकरी का, बकरी और शीप का क्या बन जाएगा। और यहां सीखने वाली बात ये है कि शीप जो शब्द है वो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी सेम स्पेलिंग रहती है, उसके आगे एस आई एस का प्रयोग नहीं, ठीक है। और पांचवा जो शब्द है इसी के अंदर वो है किरण, किरण, किरण का मतलब होता है बियर, सॉरी बियर, ठीक है,
डियर। तो ये दो वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ सिंगुलर हो या प्लूरल एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इन सिंगुलैरिटी एंड प्लूरलिटी इन बोथ द केसेस द स्पेलिंग मस्ट बी सेम। ये नाउन है जी, और ये नाउन का तब तक सर ये तो पहले नंबर पे पढ़ाना चाहिए था आपको, तो पहले मैंने वो चैप्टर करवा दिया जो पेपर में आते हैं, ये अब वो पढ़ा रहा हूँ मुझे दिमाग में, ठीक है। रेवड़ अरड़ नहीं रे। तो अ फ्लॉक ऑफ काउस, अ फ्लॉक ऑफ काउस, अ फ्लॉक ऑफ बफेलोज, तो अ फ्लॉक कितने का बनेगा प्लूरल का, तो ये क्या चलेगा प्लूरल, ठीक है। अब पेपर में क्या आ गया, द विलेजर्स आर मीटिंग टुगेदर व्हेन द फ्लॉक्स ऑफ शिप्स आर ग्रेजिंग। हाँ भाई ओ अंदर बता, देख नहीं रहा, हाँ देख कहाँ से रहा है बॉयफ्रेंड। ओ वैसे इसका जो रिपोस्टल था रिपोस्टल पता है नहीं, विटिसिज्म, हाँ विटिसिज्म में हाजिर जवाब जवाबी रिपार्टी बॉन मॉट उसी का सिनोनिम रिपोस्ट, ठीक है। क्रिटिसिज्म हाजिर जवाब है, अ क्विक एंड अम्यूजिंग रिप्लाई, अ क्विक एंड अम्यूजिंग रिप्लाई। मुझे बता पाएंगे क्या आंसर आ रहा है। चलिए एक बात करते हैं व्हेन की और एक बात करते हैं व्हाई की। जब आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों एक साथ चल रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ध्यान रखना हमेशा क्या इस्तेमाल होगा व्हेन। एक काम के खत्म होने के बाद जब दूसरा शुरू होता है तब क्या यूज होगा व्हेन। जब दो एक्शन एक साथ पैरेलली चल रहे होते हैं तब क्या प्रेफर करेंगे व्हाई। आप ये देख पा रहे होंगे विलेजर्स क्या कर रहे थे, कब जब उनके शिप के जो झुंड थे वो क्या कर रहे थे, चल रहे थे। तो पहली बात तो व्हेन नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए व्हाई, यानी आंसर किसमें से आएगा आइदर ए और सी। बबली तुमने बाद में बताया और जोर भी इसी पे रखा, राइट आंसर भी है और वो भी है। दो फ्लोक्स ऑफ शीप्स आर, और फ्लो फ्लो में देखो क्या लिख दिया मैंने शीप्स, और जबकि पता फ्लोक होता ही प्लूरल का है और शीप ना केवल सिंगुलर का काम करता बल्कि प्लूरल का, इसमें इस एस की कोई जरूरत नहीं। आंसर क्या हो गया सर, ये आर क्यों आया, क्योंकि बात शीप की हो रही है, शीप के फ्लॉक्स की, फ्लॉक्स अपने आप में प्लूरल है तो आर आ गया, अगर यहाँ फ्लॉक होता तो क्या था।
ऐसी लग रही है आखिरी क्लास। यस सर। अगला देख देर आर सर्टेन नाउन्स विच आर ऑलवेज प्लूरल एस और ईएस कैन नॉट बी S or ES cannot be eliminated. वो नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, उनके अंदर से S या ES जो उसका लगा हुआ है वो कभी हटा भी नहीं सकते। वो नाउन होते भी प्लूरल है, नेचर भी प्लूरल है और S या ES लगेगा। अब यहां से आती है वो बात जहां से पेपर आता है, याद रखने के लिए। पहला वर्ड जो मैंने लिखा वो लिखा ALMS, क्या बोलते हैं आलमस, आर्म्स, क्या बोलते हैं आर्म्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्म्स? क्या बोले, ध्यान दान, ठीक है, हेल्प, किसी हेल्प गिविंग, ठीक है, बिल्कुल। आर्म्स का मतलब होता है भीख या दान, दिन में जिसको इंग्लिश में कहते थे डोनेशन। अब यहां पर वोकैब भी देखते जाना सारे के सारे नाउन रिलेटेड, वैसे तो चला ही रहा हूं बराबर बराबर करके, फिर स्पेशल नाउन रिलेटेड वोकैब। अब मुझे बताओ जो डोनेशन होती है वो इन टर्म्स ऑफ मनी होती है, डोनेशन इन टर्म्स ऑफ मनी होती है। अब मुझे कौन बताएगा कि मनी जो है वो काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल? मनी अनकाउंटेबल। और एवरी अनकाउंटेबल इज ऑफ विच नेचर? सिंगुलर इन नेचर। शाबाश। मुझे बताओ व्हाट आर द कंपोजिशंस ऑफ मनी? बता रखा है क्लास में? अब देखो आपके पास करेंसी है और करेंसी भी दो टाइप की है, कॉइन्स एंड नोट्स। मनी हुआ ना एक, पर करेंसी के तौर पे कॉइन गिन सकते हो, कितने नोट है वो गिन सकते हो, उससे मिला के कितना पैसा बना वो भी गिन सकते हो। लेकिन अकेला करेंसी मनी नहीं है, मनी इन पांचों प्रकार के जोड़ करने पर जो चीज आती है वो आपकी क्या कहलाएगी? अब और क्या है आपके पास? आपके पास तो खैर अभी क्या होगा, माँ बाप के पास, दादा दादी के पास क्या है? गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, या इसी के तौर पर एक और वर्ड आ जाता है लाइव स्टॉक। और लाइव स्टॉक वही हो जाते हैं जो जिंदा पशु जो आपके पास है उनकी भी एक कीमत होती है, वो भी आपकी एक संपत्ति है। उसी हिसाब से आपकी जो प्रॉपर्टी है जो आपने रेंट पे दी है या जिस पर आप रह रहे हो, जो भी चीजें हैं वो आपके पास है। इसके अलावा जितने भी आपके पास एसेट्स हैं वो फिजिकल एसेट्स या किसी स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, या जितना भी आपका डिपॉजिट्स हैं बैंक से अंदर बैंक के बाहर, वो सारी चीजें मिलाकर क्या बनाता है? मनी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मनी। एंड इट मेक्स, क्योंकि हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, एसेट या डिपॉजिट की वैल्यू कभी भी डेफिनेट नहीं हो सकती, ये हमेशा बदलती रहती है। तो फ्लक्चुएशन के कारण ये काउंटेबल हुई या अनकाउंटेबल, और एवरी अनकाउंटेबल इज ऑफ विच नेचर? सो दिस इज द रीजन बिहाइंड द सिमिलैरिटी ऑफ द मनी। ठीक है, तो डोनेशन शब्द मनी भी मनी के तौर पर, मनी का ये हिस्सा आपने किसी को दिया, बोले ले तू रख ले, तो वो क्या कहला दिया? डोनेशन। तो डोनेशन भी अपने आप में क्या हो गया? अनकाउंटेबल, और ऑल अनकाउंटेबल्स आर सिंगुलर। लेकिन इसी डोनेशन का जो एक नाउन है आर्म्स,
ये एक ऐसा स्पेशल वर्ड है जो किस नेचर का होता है? प्लूरल। अगर वर्ब लगनी पड़ गई तो कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल। अब इस क्वेश्चन को एग्जामिनर पूछता किस तरीके से है, क्वेश्चन नाउन का है लेकिन पूछता है एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर। कैसे पूछता है ये देखते हैं। Change the voice, change the voice from active to passive। ये क्वेश्चन आया। अब आंसर बताओ ए बी सी डी में से क्या है? एक्टिव पैसिव नहीं करें? नरेशन नहीं करवाया होगा? एक्टिव पैसिव तो करा देता हूँ क्योंकि वो प्रपोजिशन में काम आता है। नहीं आया समझ में? आ गया ना। अगर एक्टिव पास्ट में है तो पैसिव भी इज और आ सकता है। तो पहली बात तो यही संकट खत्म कर दिया करो कि पास्ट है तो प्रेजेंट वाली वर्ब नहीं आएगी, ये इज और आर नहीं आएगा। ठीक है, अब ये देखो ये क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट आगे जाके क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। अब ये जो द आर्म्स है, मैंने क्या बताया जी, सिंगुलर होता है, प्लूरल प्लूरल, तो वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल। आंसर क्या हो जाएगा? ये ऐसे इनडायरेक्टली पूछ लेता है। तो इसमें वाज लगाने वाला भी ठीक सोच रहा है, वर्ब वाला भी ठीक सोच रहा है कि पैसिव तो ठीक बना दिया, लेकिन क्या पैसिव ठीक बना जब तक उसका नंबर सेम नहीं हुआ वर्ब का और सब्जेक्ट का? तो आपकी इनहेरेंटली कौन सी नॉलेज का हमारी है? प्लूरलिटी ऑफ नाउन, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन कौन से ऐसी नाउन्स हैं जो ऑलवेज प्लूरल नेचर की रहती है, और अगर उनके साथ वर्ब फिक्स करनी पड़ जाए तो वो भी प्लूरल नेचर की। उसी के अंदर अगला शब्द, ये टेक्निकलिटीज हैं ये पूरे ग्रामर की, इसलिए ग्रामर थोड़ी सी बोरिंग लगती है और इसलिए मैं पहले नंबर पर नहीं कराता इस चैप्टर, जबकि नाउन इज द बेसिक, मुझे आना चाहिए, जिसको मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के थ्रू थोड़ा थोड़ा दे देता हूँ जो पेपर में, पर उसमें भी बारीक बारीक शब्द कौन से रह जाते हैं पेपर ओरिएंटेड हो सकते हैं। सारे आप ठहरा, जी ही होता है, उर्दू का शब्द है। सही है, ठहरा इसी में आपके नेट पे भी दिखा देगा, ये आर्म्स का मतलब कई नेट पे भी दिखाएगा, हिम खोज में क्या रात ही दिखाएगा। दूसरा, अगला लिखिए RICHES, रिचेस। क्या लिखा मैंने? रिचेस। रिचेस भी एक प्लूरल नाउन है, riches भी एक प्लूरल नाउन है, जिसका मतलब होता है वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति। कौन सी? संपत्ति। अब बताओ संपत्ति जो होती है वो भी तो एक प्रकार का क्या होती है? आपकी धन, ये सारी चीज संपत्ति तो है आपकी। तो बताओ अगर ये धन नहीं गिन सकते तो संपत्ति गिन सकते? नहीं। तो वेल्थ इज ऑल्सो अनकाउंटेबल और ऑल अनकाउंटेबल आर संपत्ति। तो अगर मैं कहूँ संपत्ति अभिशाप है, जितनी ज़्यादा संपत्ति होती है इंसान को रोना ज़्यादा पड़ता है। गोपालदास नीरज ने किसी वक्त लिखा था कि जितना होगा कम सामान उतना होगा सफ़र आसान। तो जीवन का सफ़र भी तभी आसान रहता है जब आपके पास सामान यानी मेंटल लोड फिजिकल लोड बहुत कम। तो एक सेंटेंस मैंने लिखा वेल्थ इज कर्स और एक लिखा रिचेस डैश कर्स, तो बताओ क्या दोनों में इज आएगा या दोनों में आर आएगा या किसी में कुछ किसी में कुछ? तो दूसरे पहले में क्या आएगा? इज, और दूसरे में क्या आएगा? आर। जैसे ही आपने नाउन को चेंज किया तो वो अपनी वर्ब को भी चेंज कर लेगा, बिकॉज़ रिचेस इज अ वर्ड व्हिच इज ऑलवेज प्लूरल इन इज।
देखिए एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं ऊपर, प्रोसीड। प्रोसीड एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी काम को आगे बढ़ाना, सफलतापूर्वक तरीके से किसी काम को जब आगे बढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं प्रोसीड। जब अपन ने इतना यहाँ तक कर लिया तो मैं बोल लूँ शुड आई मूव ऑन या शुड आई प्रोसीड, आगे बढ़े, तो प्रोसीड एक वर्ब का काम करती है। इसी प्रोसीड से दो प्लूरल नाउन बनते हैं और एक तो केवल एस लगाने से बन जाता है प्रोसीड्स, एक प्लूरल नाउन होता है जो ऑलवेज प्लूरल में ही रहेगा, और एक जो दूसरा नाउन है वो इस प्रोसीड के आगे आईएनजी लगा दो प्रोसीडिंग और उसके आगे एस लगा दो तो वो प्लूरल नाउन बनेगा प्रोसीडिंग्स। बोलना साफ सुथरा लिख रहा हूँ जानबूझ के ताकि आपके सारी चीज समझ में आए, आप चाहे कभी आए या नहीं आए लेकिन जब भी आए समझ में जरूर आए। एक जो सर्विस पे जाएगा पर्सन, नौकरी पे जाएगा, उसको एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ और द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ही विल गेट हिज सैलरी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो कमा के खाते हैं कि कुछ बेचा और तुरंत कुछ पैसा मिला, कुछ बेचा और फिर तुरंत सामान मिला, तो इसका मतलब हुआ जो रेडी है चला रहे हैं दुकानदार लोग हैं, ये कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो यार कितना ही बड़ा, उसमें भी एक पेंट भी की तो पैसा आया, ऐसे आया ऐसे, आजकल तो क्रेडिट कार्ड सिस्टम भी हो गया। तो प्रोसीड होती है द इनकम जनरेटेड आफ्टर सेलिंग समथिंग। द इनकम जनरेटेड आफ्टर सेलिंग समथिंग प्रोसीड्स। तो अगर मैं कहूं द शॉपकीपर हैज डिपॉजिटेड द प्रोसीड्स, शॉपकीपर ने डिपॉजिट करा दिया है क्या प्रोसीड्स, और पेपर में केवल ये लिखा जाए द प्रोसीड, सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि द आर्टिकल और आर्टिकल किसके साथ आता है? नाउन, और अगर प्रोसीड नाउन के तौर पे तो हमेशा किसने चलता होगा? प्लूरल ने चलता होगा, प्रोसीड्स होगा, याद रहेगा। दूसरा क्वेश्चन अब ये आया कि अगर ये एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, बताओ। द प्रोसीड्स हैज बीन डिपॉजिटेड बाय द शॉपकीपर, अब हैज आएगा या हैव? हैव आएगा, बहुत। द प्रोसीड्स have been deposited by the shop। आगे आना इसका मतलब, अब मैं आपको जितने चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग, ये पांच बड़े चैप्टर आपके पास बचे हुए हैं, तो इनके अंदर अगर और नरेशन, कौन सा चीज? नरेशन, ठीक है जी, अभी तो 6-7 महीने चले बचे, तो क्लास लग जाए बस मार्च में पूरा, होली से पहले करते हैं। अच्छा नहीं क्या? फिर उसके बाद बढ़िया होली खेल लेंगे मेरे लोअर कल क्यों भाई अपना जो नाइस कार्रवाई करनी, कार्रवाई बैठाना होता है, कार्रवाई करना जगह चलेगी जहां दो पक्ष होंगे, जहां पर भी दो पक्ष होंगे, एक अगेंस्ट होगा और एक फेवर में होगा किसी भी विचार के, किसी मुद्दे के, वहां हर जगह प्रोसीडिंग चलेगी, क्योंकि उनकी आपस की डिस्कशन को ही क्या बोलते हैं, संसद की कार्रवाई, कोर्ट की कार्रवाई बंद की जाती है, ऐसा आता है कि yes, तो उसी कार्रवाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किस नेचर का होता है? अगला जो शब्द है ये मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ, ज्यादा नहीं स्कूल पर काम कर रहा, बराबर
हर गिलहरी के बदन पर धारियां होंगी जरूर, हर गिलहरी के बदन पर धारियां होंगी जरूर, राख के नीचे दबी चिंगारियां होंगी जरूर। आज भी आदम की बेटी हंटरों की जद में है, आज भी आदम की बेटी हंटरों की जद में है, हर गिलहरी के बदन पर धारियां होंगी जरूर। तो अब मुझे बताओ, इसमें एक शब्द आया था चिंगारियां, आग लगी है कल, अभी सामान नहीं आया है। जो होती है उसी को बोलते हैं इंग्लिश में एम्बर्स। क्या बोलते हैं? एम्बर्स, EMBERS, एम्बर्स, स्पार्कल्स अंडर द फायर, स्पार्कल्स अंडर द एशेस ऑफ फायर इज नोन एज एम्बर्स। आरो समझ में? बढ़िया, बहुत कतई जहर। अगला देखिए, ऐसे एक वर्ड होता है आपके पास ALS, हिस्टो, नहीं नहीं नहीं, ये हिंदी का नहीं है, अनल नहीं है, आग नहीं है, आवक नहीं, ज्वाला नहीं, पर्यायवाच हमने भी रटे हैं। यहाँ पर भी आग की बात कर रही थी, नहीं यहाँ तो चिंगारी थी, चिंगारी धीरे धीरे। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ऐतिहासिक दस्तावेजों को बोलते हैं। और इसी ऐतिहासिक दस्तावेजों के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, और वो भी प्लूरल में होता है, क्या बोलते हैं? आर्काइव्स, 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 क्या बोलते हैं? अच्छा, किसने बताया? आर्काइव्स, आर्काइव्स वाले बताओ, पहले आर आर्काइव वाले बताओ, आर्काइव, आर्काइव। अच्छा, आप कब गए हो आज? वो तो खाली आर्काइव्स होता है ना, वो तो गिफ्ट शॉप है, गए हो से मिला? ना इधर गए नॉर मिला। ठीक है, ये भी प्लूरल में होता है। आठवां शब्द देखिए, जब आप किसी को थैंक बोलते हो तो थैंक बोलते हो थैंक्स, थैंक्स नाउन के तौर पे, थैंक प्लूरल के तौर पर होता है थैंक्स। ऐसे जब आप किसी को आशीर्वाद देते हो तो ब्लैसिंग शब्द नहीं बोलते, ब्लैसिंग्स, क्या बोलते हो? ब्लैसिंग्स। और ऐसे किसी को नमस्कार बोलना हो ईमेल के अंदर तो ग्रीटिंग नहीं बोलते, ग्रीटिंग्स, क्या बोलते हैं? ग्रीटिंग्स, यस और नो? ये भी सारे नाउन प्लूरल दीजिए। और ऐसे ही जब आप किसी लेटर को समअप करते हो तो भवदीय शुद्ध हिंदी में लिखते हो, और वैसे ही इंग्लिश में रिगार्ड लिखते हो, रिगार्ड्स। और ये कॉमन पैटर्न पर एक साथ याद हो जाए। हो गए, आगे बढ़े, चलो रूल नंबर टू लिखिए। ये रूल नंबर वन था, अब रूल नंबर टू लिखिए। और रूल नंबर टू में ये लाइन जो की पहले लिख दीजिए, और इसी के अंदर एक लाइन और लिखिए रूल नंबर टू में।
ये पहले लिख लो, फिर लिखने पे ध्यान नहीं देना, फिर जो मैं पूछता था वो बताते जाना। A pair of can make the expression singular. A pair of can make the expression singular. कि देर आर सर्टेन नाउन्स, कुछ नाउन और भी हैं जो हमेशा प्लूरल के तौर पर होते हैं और ऐसे आई एस उनके अंदर से एलिमिनेट नहीं होता। अगर उनको सिंगुलर बनाने का मन करे तो उनके आगे क्या लगा दोगे? अ पेयर ऑफ। ये तीन तरह के होते हैं, पहला ऐसे, दूसरा ऐसे और तीसरा ऐसे। पहले देखिए ये क्या लग रहा है, वेल ये लग रही है विचार। चलो इसका मतलब शक्ल देख के पता लग गया इसकी कि ये कुछ ट्राउजर कैसा है, ऊपर से एक वचन नीचे जाके बहुवचन। ट्राउजर नहीं होता, क्या होता है? ट्राउजर्स। अगर इसी को थोड़ी सी अलग भाषा में कह दे तो पैंट कहूंगा या पैंट्स। पैंट्स तो इसको जीन कहूंगा या जीन्स। जीन्स पक्की बात। देर आर सर्टेन वर्ड्स विच आर ऑलवेज प्लूरल इन नेचर, एस और एस कैन नॉट बी इल्यूमिनेटेड, बट इफ यू वॉन्ट टू मेक इट सिंगुलर देन यू मे राइट अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ जीन्स। अभी लिखते हैं। इसी के हिसाब में कुछ और वर्ड्स भी होते हैं, शॉर्ट्स, पायजामास। वेरी गुड, शाबाश, दिमाग के हिसाब से सही बताया। वेरी गुड वेरी गुड। प्लाजो तो तू बोला, वाह, हर ग्रहण की पसंद। ये मजा दे रहा है, मजा। चलिए चलिए कोई बात नहीं, उन चीजों के लिए मैं हूं। दो शब्द होते हैं, एक होता है लैगिंग और एक होता है जैगिंग। कैपल भी दोनों में डिफरेंस क्या? फिर क्यों बीच में बोला? मटेरियल डिफरेंस है या कुछ नाम का है? नाम का डिफरेंस है, मटेरियल डिफरेंस है। मैडम एक बार स्पेलिंग बताओ, मेरे पहली बार। नहीं भगवान की कसम, अगर नहीं सुना हुआ ऐसा थोड़ी ना कि इंग्लिश के मास्टर हो तो सारे इंग्लिश के शब्द आते होंगे, नहीं आते भाई साहब। एक ने पूछ लिया था पिछले क्लास में, सर कोका कोला का मतलब क्या होता है? नहीं पता था भाई साहब हमें, बाद में मैंने उसके कान में बताया। हाँ जी, एक होता है लैगिंग और एक होता है जैगिंग, और ये दोनों मैंने लिखे सही या गलत? गलत। लैगिंग्स और जैगिंग्स। और आपने क्या बताया एक बार इसका? टी डबल ई लगाओ, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। डबल कभी भी, जैसे अपन बहुत जैसे फोन नंबर बताते वक्त 4477 00 4477 00 क्लास में हमने इन पैरों के नीचे जो तो बताओ, जूते पहने गए पहले जुराब, जुराब और जुराब को क्या बोलते हैं? सॉक या सॉक्स? सॉक्स। मुझे मुझे
क्या पहनेगा? पहनेगी क्या? सैंडल या सैंडल्स? सैंडल की स्पेलिंग बताओ ना, एस ए एन डी, सैंड तो लिख दिया हमने, एल एस। और एक और भी होता फिर तो वो ये होता है, ये होता वो सैंडल वुड जो आती है चंदन, उसको क्या बोलते? वो भी यही होता है, यही होता ठीक है। सैंडल्स। अब बताओ और कुछ रह गया तो पजामे में? जॉगर्स ठीक है, जॉगर्स कैप्री जो जॉगिंग करने के हिसाब से होते हैं जॉगर्स। रुक जाए तो मैं सारे करवा दूंगा और तुम बीच में है ना। वेरी गुड, बहुत और नीचे तुम लोअर को आराम को थोड़ा सा यूं कर अड्डा। सो ये जो बनी आपके पास बढ़िया है ना, क्या लग रही है? कैंची। अब इसी सीजर से एक वर्ड यूज हो जाता है, एक तो मैंने लिखा सीजर और एक थोड़ी देर में अपनी वर्ड पढ़ाऊंगा अब्सिशन। नेगेटिव है, बहुत बढ़िया बात है, खुद सीजर क्या काम करेगी, अच्छा काम करेगी। चलिए इसको मैंने लिखा कैंचुआ। सीजर्स, सीजर नहीं होता सीजर्स। अगर आपको सीजर का पेयर भी लिखना अ पेयर ऑफ सीजर्स तब ये सिंगुलर लगेगा, प्लूरल क्वेश्चन बनाएंगे। अब इसी तरह की जो चीज होती है, अब इसमें से ये तो हटाओ, ये जो बने अब बिल्कुल चल। एक वो आता है बिजली ठीक करने वाला प्लास, आता है प्लास, पैचकस नहीं, प्लास पैचकस नहीं, और उसी प्लास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लास। क्या बोलते हैं? प्लास। ऐसे ही आपके रोटियां बदलने के लिए उसकी पोजीशन, उसके लिए एक तवा होता है, तवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पहले तो इंग्लिश में लिख दो ना, तवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवन। पैन, भूल गए ना। चलो तवा इंग्लिश में ढूंढने के लाएंगे, क्या कहते हैं? ओहो, तवा हिंदी में होता है, तवा ही कहते हैं, घर पे क्या कहते हैं ना, इंग्लिश में नहीं कहते हैं। हाँ तो हम बात कर रहे थे चिमटे, तो चिमटे को इंग्लिश में कहते हैं टॉन्ग्स। तो जब बात चिमटा को इंग्लिश में टोंग्स कहते हैं, तो चिमटी को टोंगी तो नहीं कहेंगे। तो शाबाश शाबाश, वेरी पिंसर्स, पिंसर्स, ट्वीजर्स, वेरी गुड, ट्वीजर्स। और इसी के तरह एक क्लिप्स भी यूज कर लेते हैं, तो क्लिप्स, ये जो आप गर्ल्स के जो इस तरफ लगी होती है बाल को कट मुड़ जाती है, ये लगा बटरफ्लाई शेप में, इसको इसको, क्योंकि इसमें भी दो इस तरह के पार्ट होते हैं जो लॉक करते हैं, ठीक है।
सो जो भी ऐसी दो चीजें जो आपस में लॉक हो जाती है। हाँ जी तेरे कहानी कहानी को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदलासेस सनसेट स्वच्छ भारत अभियान सनसेट ठीक है। भारत के अंदर जो स्वच्छ है वो भारत नहीं है और जो भारत है वो स्वच्छ है और इसी का नारा पिछले 4.5 साल से छाती पीट पीट के कर रहे हैं। लेकिन ये जो बना वो क्या बना आप में से कोई अभी तक बना जो बना राजस्थान में दूल्हे को बोलते बना बनना बनो वो क्या होता है फीमेल के लिए होता है बनना बनो बन्नी अन्नी मन्नी चार चवन्नी एक रुपया दो अजय तो मुझे बताओ चश्मे को इंग्लिश में क्या कहते हैं गॉगल्स सनसेट लेकिन वो जो है धूप का हो तो क्या कहेंगे सनसेट सनसेट सनस्क्रीन सनसेट सनशाइन सनसेट सनशेड सनग्लासेस। तो पहली बात चश्मे को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लासेस या शेड्स क्या बोलते हैं ग्लासेस या शेड्स। अब वो अगर आंख की नजर के होंगे तो आई ग्लासेस या फिर धूप से बचने के लिए होंगे तो सन ग्लासेस और इन्हीं के तौर पर फैशन के लिए हो तो वो क्या बन जाती हैं गॉगल्स कुछ भी इस तरह की चीजों को। और इसी के तौर पर एक वर्ड जो फॉर्मल इंग्लिश के अंदर आता है वो है स्पेक्टेकल्स। क्या वर्ड है स्पेक्टेकल्स और इसी का इनफॉर्मल वर्जन जो है वो स्पैक्स यूज करते हैं ठीक है। और प्लीज गिव मी योर कैल्सी प्लीज गिव मी योर लैपी लैपटॉप के लिए आ जाता है प्लीज मेट विद योर हबी। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं हब्बी बी बोलो गी नहीं क्या समझ रहा क्या आप प्रपोजिशन की क्लास ठीक थी। ये सारे प्लूरल नेचर के होते हैं और इनको सिंगुलर अगर बनाया जा सकता है तो ऑफ एयर ऑफ लगा के बनाया जा सकता है। टाइम बताओ आप चेंज करा चुप्पी करो। क्वेश्चन नंबर एक अगर मैंने लिखा योर फ्रेंड्स डैश वेट इज या सॉरी ब्लैक तेरे हिसाब से लिखा था ना पहले तो बताओ बात प्योर की हो रही है ब्लैक की हो रही है या पेंट की हो रही है तो पेंट की बात हो रही है इंडिविजुअली पेंट प्लूरल होता है और प्लूरल और भाई ये आ रहा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं क्वेश्चन नंबर दो में पैंट्स इज बोयूट बाय मी और ये लगा दिया अंडरलाइन ए बी सी डी ए पैंट अ पेयर ऑफ पैंट अ पेयर ऑफ पैंट नो इम्प्रूवमेंट या नन ऑफ दीज इतनी जल्दी बदल जाते हो यार तुम अभी कह रहे थे सी इतनी देर में तुम्हारी निकल गई ई हैं वेरी गुड। और पेंट इज पेंट प्लूरल होता है एक पेंट ओपन नहीं होता है क्योंकि पेयर उसी के लिए लगता है जिसमें दो होते हैं इसमें देख लो नीचे एक और एक
दो, दो। इसमें भी देखो एक और एक दो, दो। इसमें भी दो, और यहाँ पे बाइनोकुलर्स भी लिख सकते थे, दूरबीन, बाइनोकुलर्स, बिनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स, जैसे भी स्कूल से पढ़े हो, दूरबीन्स। और बाइनोकुलर की सेटिंग शूटिंग कब करवाना है? जोड़ी तो पेंट होना चाहिए या पेंट्स? अगर ये वाला ऑप्शन होता तो बिल्कुल ठीक होता, नहीं दिया हुआ इसका मतलब क्या हो गया? आगे ना समझ में, ठीक है। वो जो मैंने अभी प्रोसीडिंग वगैरह वगैरह लिखवाई ना, उसके अंदर एक चीज हो गई, एक वर्ड रह गया इससे पहले वाला जो रूल था, उसके अंदर एक शब्द लिखना है। कहां तक लिख लिए थे अपन ने? एट तक, उसमें नाइन्थ वर्ड करके लिख लेना। जो वर्ड लिखना है वो अभी लिखवाता हूँ, पहले मैं एक बार बात करता हूँ। भारत सरकार ने रूरल और अर्बन इंडिया दोनों को महत्व दिया है साफ सफाई करने, जिसमें जो जो बचा हो साफ करता हूं, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, ना ना मत, जो जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो सारे के सारे काम अपन ने कर, तो उसके लिए रूरबन पॉलिसी आई, रूरबन। करंट अफेयर में पढ़ के देखना, नेट पे खोजना, क्वेश्चन आता है, सीडीएस में भी आ चुका, एनडीए में भी आ चुका, और अब आई उसमें भी आएगा 2 जून को जिसका पेपर होगा। बरखा है क्या किसी ने 2 जून के लिए यूपीएससी का? गुड। एसएससी के जो जून नहीं है, 2 जून जब बोल रही तो मतलब यूपीएससी का प्रीलिम्स चल रही है, और अभी हमारे क्या वही ज्यादा पैसे चल रहे थे उसे पर बहुत ज्यादा रखना। और उसके अंदर क्या बोला गया, और उसी के साथ एक और स्मार्ट सिटी योजना आई, और इसके अंदर ये दोनों को मिला के बोला गया कि आप शहर को तो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से बच चुका है जो अंदर का पार्ट है शहर का, अब शहर के का जो विकास हो रहा है और ज्यादा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो शहर के थोड़ा सा बाहर से। ठीक है, अच्छा मैं जान लेके आ, और उस पार्ट को बोलते हैं अर्बन वाले पार्ट को जो शहर से दूर होता है सब अर्ब। क्या बोलते हैं? सब अर्ब। अगर ये लिखा आ जाए सब सहारन पार्ट, तो सहारा डेजर्ट के थोड़ा बाहर का पार्ट, ठीक है, सब डेजर्ट रीजन तो डेजर्ट का थोड़ा सा पार्ट, बाकी थोड़ा सा नॉन डेजर्ट रीजन, तो ऐसे ही सब अर्ब का मतलब है थोड़ा सा अर्बन का पार्ट और बाकी थोड़ा बाहर का। तो जो अर्बन से बाहर का पार्ट है लेकिन कनेक्टेड उसी से, जैसे नजफगढ़ से कितने बच्चे आते हैं बता नहीं रे, मंगलपुरी। अच्छा एक बात बताओ, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में क्या क्या आता है? एनसीआर। गाजियाबाद, नोएडा, नवेडा। एक बच्चा था भाई साहब मुझसे लड़ पड़ा, मैं कहाँ से है? बोले नवेडा। मैं नवेडा क्या होता है? बोले जी NOIDA। मैं तो नोएडा होता, बोले ना नवेडा बोल। इसको कहते हैं फेथ बिलीफ या ट्रस्ट? बिलीफ। खुद मान्यता प्राप्त कर लिया उसको, जैसा मेरा बाप बोलता है वैसे ही मेरा पुत्र भी बोले, इसलिए मैं भी यही बोलूं। आउटस्कर्ट्स क्या बोलते हैं इसको? आउटस्कर्ट्स। दोनों शब्द एक में ही है, अलग अलग मतलब लिखना, अर्थ अलग है।
हाँ सही बात नहीं है भाई, लिख दिया दोनों अलग अलग नहीं तो कर सकता भाई साहब, तो कर सकता क्या कह रहा है? चलता है चमचा, चलता है चलता है क्षमता सक्षम है तू। नहीं बढ़िया बच्चा है, मिला था 2014 में मेरे से कोचिंग पढ़ता था एक बच्चा, अभी 2019 में मिला हूँ, ऐसे ही पढ़ता था बिल्कुल ऐसे ही। बहुत मतलब बोला सुबह से खाना नहीं खाया, सुबह से खाना नहीं खाया, शिवर के दो ढक्कन उठा के बेच देना ना, और ये यहाँ तक का और अब आगे ठीक है। एक कहानी समझ में आई पूरी नाउन की, लेवल ले गए अब इससे आगे। अब आ रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन आर दो नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। अगर आपने ये सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं तो कहीं ना कहीं एक दो बात जो समझ में आई हो बस वो ही आपके लिए है जो आपने लकीली आज प्राप्त की। भूख लगी होगी कहीं हो तो, कितने लोगों को भूख लगी हुई? बहुत बढ़िया, ना केवल तुम भूखे हो बल्कि अनकाउंटेबल दोज विच कैन नॉट बी काउंटेड। और ये दो टाइप की होती है, पहली तो होती है मटेरियल नाउन और दूसरी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और यही दो जीवन होते हैं जीने, मेटेरियलिस्टिक लाइफ और बड़ी स्पिरिचुअल लाइफ, एब्स्ट्रैक्ट लाइफ, जिस चीज को देखा छुआ जा सके, जिस चीज को देखा छुआ जा सके, देखा भी जा सके और छुआ भी जा सके, खरीदा भी जा सके और बेचा भी जा सके, हिलाया भी जा सके, डुलाया भी जा सके, तो उसे कहते हैं मेटेरियल। और जो मटेरियल नाउन होता है वो सॉलिड लिक्विड और गैस तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। आइए चैप्टर शुरू करते हैं, 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर। समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। और मैटर तीन प्रकार के बेसिकली होते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, और जो भी होते हैं वो मैटर है और इसलिए वो बनाता है मटेरियल नाउन। समझना बायो नाइस आइस अभी आ रहे नहीं, एक बच्चा है बैच है 322 नंबर का, उसमें जैसे ही अच्छा सा पढ़ा दूँ तो मैं बोला के साथ इतने बढ़िया नाइस, मैंने कहा अपडेट द स्टेटस नाइस क्लास गोइंग विद नेक्स्ट ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। चलिए आज इसका एक खाली इंट्रो दे दूंगा, फिर अगली क्लास में हम काउंटेबल के क्वेश्चन और एक्सरसाइज ठीक है दोनों चीज का। अगली क्लास में बुक लाइएगा ठीक है सब लोग प्लीज। हाँ एक दो लोग तो जरूर लाना, मैं नहीं लाऊंगा। अब ये देखो बड़ी अच्छी सी, हाँ देखो एक महत्ती भी बात करते हैं, बिल्कुल खुशबूदार बात। मटर पनीर की सब्जी कितने लोग खाते हैं? सभी। कितने लोग बनाते हैं?
अब उनसे बात करनी है, किन किन लोगों को मटर पनीर की सब्जी बनानी है आपकी? एक दो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भैया? तो तू तेल नहीं तो तू पानी इसने डाला, ऑयल डालने के बाद थोड़े ऑयल के बाद डाले आलू, जीरा, जीरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो एक टीचर तो ऐसा भी है जो यूं लिखवा देते हैं, लिख लो जी JEE, और एक तो और भी अच्छा था, बोले WE क्यों लगाना जब आई इसका काम कर सकता है। जीरा को इंग्लिश में बताओ क्यों? बहुत नाइस। अब ये ठीक है, नेक्स्ट ऑफ क्यूमिन के बाद, जीरा डालने के बाद फिर आपने डाली थोड़ी सी जिंजर, जिंजर, जिंजर का मतलब अदरक, और एक होता है लहसुन, गार्लिक, गार्लिक हो या फिर लहसुन, लहसुन कोई भी लहसुन हो जैसा कि जिंजर। उसके बाद आपने कटे हुए आलू वालू डाल दिए, ऑनियन डाल दिया, और उसके बाद आपने अपनी मसालेदानी खोल ली, सेमी सॉलिड है ये सारी चीजें। गार्लिक कितनी है क्या है? आपको दो गार्लिक डाली, दो किलो डाली, दो पीस डाली, वो पीस या किलो से काउंट हो रही है, लेकिन अपने आप में गिनती काउंट हो रही है कि दो जीरा डाले, दो जीरा की बोती हुई डाल दी, आलू 100 ग्राम, जीरा 50 ग्राम, तो वो क्या हुई? जीरे की सब्जी, उसमें आलू का। ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है जब मन ना हो तो, देखो नहीं ये इसको बोलते पूरे मन से पढ़ा, मैं आदर मानता हूँ, ये 3 घंटे में पूरा कर सकते थे हम, लेकिन नहीं, तरसा डालने के बाद ये सारी कार्रवाई करी और थोड़े थोड़े मसाले डाल दिए, टर्मरिक, मिर्च, काली मिर्च, सफेद मिर्च, पीली मिर्च, नीली मिर्च, तेरी बातें, गर्म मसाला, सब का धनिया पाउडर, अगर तू तो बता देगा कि इसको कोरिएंडर पाउडर कहते, मैं मान लो। अगला देखो, ऑयल डालने के बाद, ये सारा मसाला डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, तो मैं हाथों से भिजवा देते हैं। बता रहा हूँ मैं, नक्कालों से सावधान, बाजार की चीजें क्यों ना खाएं, अभी मैं पीछे बता भी रहा था मिठाई क्यों ना खाएं। और उसके बाद थोड़ा सा डाल देते हैं पानी, वाटर, कई तो जूस वाली सब्जी भी बनाते हैं, जूस वाली सब्जी खाई है कि किसी ने? मटर पनीर की जूस वाली सब्जी, हमारे यहाँ मटर पनीर की जूस वाली सब्जी मिलती है, उसमें आदमी कूदा तो जूस कहाँ है? तो मान लिया आपने निकाल के जूस डाल दिया, जूस किसी का भी हो, मेरा भी हो। अगला देखिए, गैस, गैस, गैस जलाई थी, लेकिन किसमें थी गैस? सिलेंडर में, सिलेंडर में क्या थी? ओरिजिनली गैस वो जो LPG थी, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता? ब्यूटेन, उसके अलावा प्रोपेन, उसके अलावा मीथेन, पीथेन, जितनी भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जितनी भी है, ये सारी की सारी आ गई, इसे आप गिन नहीं सकते। ऑल दीज आर मटेरियल, ऑल दीज आर अनकाउंटेबल, ऑल अनकाउंटेबल आर सिंगुलर नेचर। बस
पहले तो पूरे संसार में से नाउन है क्या क्या वो निकालो, किसी भी चीज का नाम नाउन है ना, तो नाम पता तो क्या है, बोले तो इसमें डाला यूं था कि थोड़ा सा स्वाद अनुसार डाला ऐसे किया था ऐसा सा लगा अरे उसका नाम तो बता, क्योंकि नाउन शब्द खुद कहता है कि जो संसार में जो इस यूनिवर्स में किसी का भी नाम नहीं भी है तो भी उसका कोई ना कोई नाम होगा और सबके लिए क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाता है कि देयर इज नो अन इन द यूनिवर्स, हर चीज कोई ना कोई है और इसलिए एबल का उल्टा अनेबल बन जाता है, लेकिन नाउन जब एबिलिटी लिखा तो इसका उल्टा इनएबिलिटी बनता है, अनएबिलिटी नहीं बनता। आई बात समझ में, और इसलिए स्टेबल लिखने के बाद स्टेबिलिटी बनता है, यह आप बात मान जाएंगे, लेकिन स्टेबल का अनस्टेबल होने के बाद अनस्टेबल का जो नाउन बनेगा वो अनस्टेबिलिटी नहीं होता, इनस्टेबिलिटी होता है। तो नाउन खुद कहती है नो अन, नाउन के अंदर अन का इस्तेमाल सीखा, नया था। और देखो इसी वैरायटी हो गया टाइम ठीक है आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय।